बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और आपने वाकई जो बात कही है कि हमारे इतराफ़ जुर्म जो है ये बहुत बड़ा कमाल है कि जब बंदा अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी कोताही का जिक्र कर लेता है, तो बस अल्लाह तबारक व ताला को यही मतलूब है कि बंदा अपनी कोताही का जिक्र करे, अपने जुर्म का इतराफ़ कर ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। क्योंकि अब अमल करके हम अल्लाह को राज़ी कर लें, क्या हम पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, क्या हमारे अमल की ताकत। इसलिए कि याबिद उस माबूद की अजमत के मुताबिक इबादत कर कहाँ सकता है। ये तो उसका लुत्फ करम है कि हम 5 नमाजें पढ़ के उसको पेश कर देते हैं, वो सतारी के पर्दे में लपेट के कबूल कर लेता है, वरना हमारी नमाजें अल्लाह तबारक व ताला की शायान शान नहीं होती। हम कहाँ उसके शायान शान नमाजें पेश कर सकते हैं। लेकिन वाकई कोताही का इतराफ़ ये अल्लाह तबारक व ताला को बड़ा पसंद है और हकीकत है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इस हकीकत को बता दिया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, कि जो भी मुसीबत तुम पे उतरती है दुनिया के अंदर, वो फरमाया तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, हमारे अपने हाथों की कमाई है, अपना करतूत है कि जिसकी वजह से आज जो दुनिया के अंदर अजाब आते हैं, इनफरादी सतह पर आते हैं, इज्तिमाई सतह पर आते हैं, रियासती सतह पर आते हैं, मुल्की सतह पर आते हैं, यहाँ तक कि बैनुल अक्वामी सतह पर, आज बैनुल अक्वामी सतह पर अजाब आया हुआ है। यह ऐसी जैसे कौम नूह पर अजाब आया था, कौम नूह पे अजाब पूरे आलम के अंदर आया था। यही मुफस्सरीन का राजे कौल है कि पूरे आलम में ये अजाब आया। और आज ये कोरोना वायरस के नाम का ये कहर जो पूरे आलम के अंदर जो नजर आता है, इसका मतलब ये अल्लाह तबारक व ताला का कहर है। कोई ऐसा गुनाह हमसे हो रहा है कि जिस गुनाह की वजह से अजाब अल्लाह की तरफ से उतरा है। और मैंने आज के जुमे के खुतबे में इस बात को मेंशन किया, और वो गुनाह कौन सा है? वो जुल्म का गुनाह है। हमारे वजूद से जुल्म जाहिर हो रहा है, और अल्लाह के हक में, अल्लाह के हक को अगर तलफ करते हैं कि तो हम शिरक के गुनाह के अंदर मुबतला हैं, और मखलूक के हक को तलफ करते हैं तो कत्ल के गुनाह के अंदर मुबतला हैं। तो शिरक और कत्ल ये तो बड़े बड़े दो गुनाह हैं, उसके अलावा जुल्म के कितने दर्जे हैं। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने बाब बांधा है, बाबु जुल्मिन दूना जुल्मिन, जुल्म के नीचे जुल्म है। गोया कि जुल्म के इतने दर्जे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जुल्म, बड़े बड़े जुल्म, तो हम चूंकि जुल्म के अंदर मुबतला हैं, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला का कहर जो है हमारे ऊपर टूट रहा है। आज हमें चाहिए हम इनफरादी सतह पर अपने हर तरह के जुल्म से बाज आ जाएं। अगर बाप औलाद पर जुल्म कर रहा है, या औलाद बाप पर जुल्म कर रही है, या सास बहू पर जुल्म कर रही है, बहू सास पर जुल्म कर रही है, बेटा माँ पर जुल्म कर रहा है, माँ बेटी पर जुल्म कर रही है, गोया कि खानदानी तौर पर हम छोटे छोटे ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, मक्कारी और अय्यारी के साथ ईजा पहुँचा रहे हैं, ये सारे के सारे जुल्म अल्लाह तबारक व ताला के नोट हो रहे हैं। अगर चीन वाले लोग जिंदा जानवरों को जला के जुल्म कर रहे हैं, और मुसलमानों अगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की हुकूमतें कश्मीर की बेटियों पर जुल्म अगर ढा रही हैं, और फलस्तीन के अंदर मुसलमानों का खून बहा जा रहा है, तो ये अगर बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो ये हम भी तो घरों में छोटे छोटे जुल्मों के अंदर मुबतला हैं। लिहाजा हर तरह के जुल्म से हम तौबा करें। इसलिए मैंने कहा था हर बंदा जायज़ा ले कि यार मैं किस किस्म का जुल्म कर रहा हूँ। अगर अपनी जान पर भी कोई जुल्म कर रहा है तो वो सोचे यार मैं अपनी जान पे जुल्म कर रहा हूँ, मेरी जान का हक ये है कि मैं रात 8 घंटे की नींद लूँ, लेकिन मैं सारी रात खुराफात के अंदर पड़ा रहता हूँ, सारी रात वीडियो गेम खेलता रहता हूँ, सारी रात टीवी फिल्में मूवियाँ देखता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से 3 घंटे सोता हूँ, फिर दिन में निकल जाता हूँ, सेहत मेरी तबाह हो रही है, मैं अपनी जान पर जुल्म कर रहा हूँ। इसलिए हदीस में फरमाया कि इन्ना लिनफ्सिक अलैक हक्कन, तुम्हारी जान का तुम पे हक है। गोया कि जान को पूरी नींद दो, इन्ना लियानी का अलैक हक्कन, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है। अगर तुम पूरा प्रॉपर सोगे नहीं, फरमाया तुम्हारी आंखें अंदर गड़ जाएंगी, तुम्हारी हड्डियाँ निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म लागिर हो जाएगा। तो नबी तो अपनी जान का हक, तो गोया कि हम अपनी जान पर अगर जुल्म कर रहे हैं तो उस जुल्म से भी बाज आएँ। अपने जिस्म को नींद पूरी दें, इसकी भूख है उसका खाना पूरा दें, इसकी प्यास है उसको पानी पूरा दें, इसके पहनने ओढ़ने के तकाजे पूरे करें, अपनी जान पर भी जुल्म ना करें। तो इनफरादी सतह पर जुल्म है, खानदानी सतह पर जुल्म है, मुल्की और कारोबारी सतह पर, किसी भी सतह पर अगर हमारे वजूद से जुल्म जाहिर हो रहा है, आज हम अपने जुल्म से तौबा करें। और जब जुल्म से तौबा करेंगे तब जाके अल्लाह तबारक व ताला हमारी इबादतों को देखेंगे, हमारे जिक्र और तस्बीहात को देखेंगे, हमारी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की जरबों को देखेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम जुल्म भी करते रहें और अल्लाह की बातें करके अल्लाह को राजी कर लें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम सबसे पहले जुल्म से तौबा करें।
تبھی میں نے آج یہی دعوت دی تھی پوری دنیا کے انسانوں کو، بلکہ ملک ہوں، بلکہ انسان ہوں، بلکہ عام انفرادی لوگ ہوں، سب سے پہلے ظلم سے توبہ کریں. جو جس سطح کو ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے جب توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کی بارش نازل کر دیں گے.